जैसे रोज आवे लू तू तेरे सुनी के अहा मोर निदिया निदर बानी के। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:15। सो दोस्तों, मम्मी जी आज सुबह सुबह मुझे बहुत डांटी हैं, सुबह सुबह जगाई हैं, बोली हैं कि बेटा सुबह सुबह जग जाओगे तो अच्छा रहता है। अभी सुबह जगने का फायदा क्या है? बहुत फायदा है, शाम सुबेरे का हवा न 1 लाख का दवा। बच्चों, मालिनी बच्चों, आओ हमारे साथ पूजा करने के चले, अच्छे हैं बच्चे ना। तो गाइज, मम्मी जी को प्रणाम कर लेते हैं। खुश रहा बेटा, खुश रहा, खुश रहा बच्चों, चलिए हमारे साथ पूजा करने के लिए। तो गाइस, इधर देखिए छोटू रोजाना की तरह रोटी लिया है और भेली लिया है। क्या खा रहे हो? हेलो गाइस। तो दोस्तों, इधर देखिए, आज हमारी दीदी जी भी मम्मी जी के साथ पूजा करने जा रही हैं। दीदी जी को प्रणाम कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मम्मी के साथ हम भी जा रहे हैं पूजा करने। आप लोग भी आइए, मम्मी के साथ पूजा कर लीजिए। तो दोस्तों, आप लोग पूछते हैं कि मम्मी जी इतना सारा फूल कहाँ से लाती हैं? तो देखिए, मम्मी जी यहाँ पे फूल लगाई हुई हैं। बच्चों, हम तो भोलेनाथ के पूजा कर चुकी, माता रानी के पूजा कर चुकी, हम ये आशीर्वाद देती हैं हमारे बच्चे खूब अच्छे से रहें, खूब बढ़े, खूब होशियार हो के। बच्चों, आज तो हमारे बाबू लिया जाते हैं कॉफिन पियाने के। बच्चों, आप लोग देखना वीडियो अच्छे से, पूरा वीडियो फूल देखना। बच्चों, हमारी प्यारी प्यारी बिटिया कमेंट करती हैं कि मम्मी जी खाली बाबू लोग के आशीर्वाद देती हैं, हमको नहीं देती हैं। तो हमारे प्यारी प्यारी बिटिया की, मेरे प्यारी प्यारी बहू के खूब सुहाग बढ़े, खूब सुहाग बढ़े। तो इधर देखिए, देसी जुगाल लगाई है दीदी और छोटू मिलकर, क्योंकि मम्मी जी को धूप लग रहा था। क्या कर रही है दीदी? तो दोस्तों देखिए, हमारी दीदी जी मम्मी जी से कितना प्यार करती है, उनके लिए छा कर दी थी। छोटू, तुम क्या कर रहे हो? तो दोस्तों, इधर देखिए, हमारी प्यारी सी माता श्री झाड़ू मार रही है। सुबह सुबह उठ के पूरा घर में झाड़ू मारती है। गाइस देख सकते हैं, सारा मिट्टी का घर है। जितना बार झाड़ू मारती है फिर गंदा हो जाता है। जब दादा वगैरह लोग आते हैं, लाइए हम मम्मी, हम मार दे रहे हैं। जय अब दादा जी को चावल। अरे छोड़ा, हम मार देता है। तो दोस्तों देखिए, झाड़ू मार रहे हैं मम्मी जी के साथ। आप लोग भी झाड़ू मारा करिए घर में। आप लोग अपने मम्मी के हाथ बटाया करते रहना, आप लोग अपने मम्मी के साथ काम करते रहना। देखो हमारे लल्ला कितना काम करता है। अरे दीदी जी, सफाई करने में लगी हुई हैं। अभी गैस चूल्हा को साफ करे, कितने दिन बाद कर रही हैं? रोजाना होता है गैस साफ, क्योंकि गंदा हो गया था ना, इसलिए गैस चूल्हा साफ करे, क्योंकि अच्छे से बढ़ेगा, सफाई रहेगा ना। आप रोज थोड़ी करती हैं, मम्मी करती हैं ना? हम ही करते हैं, मगर मम्मी झूठ बार बार बोलती है, काम चोर है, काम चोर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आज काम करें। कुछ काम चोर तो है बच्चों, लेकिन तो करती है, लेकिन तो बहुत भाटियाती है। पहले क्या है भाटियाती है दीदी? झूठ बार बार बोलती है, इसलिए हमको गुस्सा आ जाता है, डांटती है बार बार। मम्मी पे गुस्सा आ जाता है? कभी कभी आ जाता है, कि मम्मी का बात तो कोई बोलती है तो हम लोग कोई कम नहीं करते, क्योंकि माँ है ना। तो गाइस इधर देखिए, हमारी भगिनी को जैसे दीदी कोई काम करती है पीछे पीछे लगी रहती है। तो गाइस, अभी दोपहर का टाइम हो गया और दादाजी अभी भैंस को लगा रहे हैं नाथ पे। अभी देख सकते हैं छाटी वगैरह डाल रहे हैं, और मम्मी जी अभी खेत गई हैं, आई नहीं है। दादाजी कब गई हैं? कब से? बच्चों गई है, घंटा हो गया, अभी आई नहीं, चौका लगा रहे हैं नाद पर। तो गाइस, अभी हम लोग जाने वाले हैं कॉफी पीने के लिए, जब मम्मी आ जाएंगी। और गाइस इधर देखिए, हमारी माता श्री जैसे घर पे लगाई हैं। तो दोस्तों, अभी देखिए बड़ी वाली भैंस आ गई है। गाइस आप लोग देखिए, दादाजी को दिखता भी नहीं है ना, फिर भी देखिए कैसे काम करते हैं। सोचे हैं हम आप लोग को आज दिखाएं दादाजी का हार्ड वर्किंग। इधर है, इधर है दादाजी, नाद पे है, नाद पे। ओ देखिए गाइस, अभी कैसे कर रही है, आप लोग को बुला रही है, मारने के लिए कोशिश कर रही हो। मारेगी दादाजी हमको? तो गाइस, हमको बहुत डर लगता है ना, हम नहीं जल्दी इसको पकड़ते हैं। एक बार हमको उठाकर भीग दी थी खेत में। अभी देखिए दादा कैसे डांट रहे हैं। तो दोस्तों, अभी दोपहर के 3 बज गए और मम्मी जी अभी घर नहीं है। कभी से इंतजार कर रहे थे कि हम लोग जाने वाले थे कॉफी पीने के लिए। पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है, मैं सोच रहा हूँ जा रहा हूँ दीदी जी और हम जा रहे हैं दोनों लोग, मम्मी जी को खोजने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि खेत में मम्मी अभी तक क्यों इतना लेट कर दिया। दादा मम्मी अभी नहीं आई? अभी नहीं आई। तो खेत में जा रही, इतना लेट नहीं करती है खेत में?
कोई गारंटी नहीं। तो गाइस जा रहे, पता नहीं क्यों मन मेरा घबरा रहा है। और दीदी जी हम जा रहे हैं, मम्मी आ गई, देखिए हम पानी मम्मी को चला रहे हैं, गिरी पड़ी थी। तो दोस्तों मम्मी जी के लिए लिट्टी लाया, मेरी मम्मी जी भूखी थी खेत में। मम्मी जी आप क्यों इतना ज्यादा टाइम तक रहती है? समय से खाई ले नहीं, समय से कार्य के मारे अब आ गए, धूप भैया आ गए, धूप लग गए, चक्कर आ गए, गिर गई है मेरे पर। तो प्यारी सी मम्मी जी को खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, थोड़ा इनका बीपी लो हो गया है। तो बच्चों हम चारा काटने गए तो मेरा बीपी लो हो गया, हरदम बताते हैं। तो दूरी कहीं चली गई तो चक्कर आ गया, गिर गई तो दूसरे टोले पर के आदमी हमारे घर सनेसा लेकर आए हैं, आई सब खोजते हैं, तो हमको अभी मोटरसाइकिल से लेकर घर पर आते हैं। तो गाइस सबसे पहले मम्मी जी को नाश्ता कराता हूँ। सो दोस्तों मम्मी जी को जब अपने हाथ से खिला देते हैं ना, तो मम्मी जी का ममता और बढ़ जाता। बेटा को तो कर्तव्य बनता मम्मी जी का सेवा करने के लिए, तो आपका भाई अपने माँ बाप के लिए बस करना चाहता है दोस्तों। और आप लोग भी आइए, लिट्टी बचा है, हम लोग के साथ मिलकर खा लीजिए। तो गाइस देखिए मम्मी जी अभी कैसे खा रही है। आप भी खाओगी? तो इनको देखिए हमारी प्यारी सी मैनी, बोलो हेलो गाइस, बोलिए। आप लोग तो जानते हैं इनका पुराना आदत है, शर्मा जाती है। तो दोस्तों हमारे प्यारे से दादाजी बोल रहे थे कि ज्यादा दिन हो गया बच्चों लोग को गाना नहीं सुनाया, क्या दादा बोल रहे थे ना? आज सुना है दी, बच्चों लोग के तनी गाना आया जी, सुना दीजिए दादाजी। जैसे रोजे आवे लू तू तेरे सुनी के, अइहा मोरनी दिया निदर बानी के। जैसे रोज आवेलू तू तेर सुनी के, अइहा मोरनी दिया निदर बानी के। क्या बात है दादाजी, दादाजी के इस गाने पे प्लीज आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे दादाजी कैसा गाते हैं। मम्मी जी दादा गाना अच्छा लगा? तो दोस्तों अभी मम्मी जी ठीक हो गई हैं, अभी इनको लिट्टी वगैरह खिला दी है। अभी क्या कर रही हो जी? मम्मी जी अच्छी है ना? ठीक है बच्चों, हंस के बोलिए सभी दर्शकों से। कैसी? ठीक है बच्चों, हम अच्छी हो गए। तो गाइस आज तो हम लोग गए नहीं, कॉफी पिलाने वाले थे मम्मी जी को, सोचे अपने पूरे फैमिली को, दीदी को, भैया को, दादाजी को, सबको साथ में लेकर चलेंगे रेस्टोरेंट पे। तो अभी तो हम लोग गए नहीं मम्मी जी, आज तो चारा काटने गई है तो लेट हो गया है बच्चों, तबीयत तुम्हारा खराब हो गया है तो लेट हो गया, तो कल के डेट में हम लोग चलेंगे बेटा। तो गाइस इस ब्लॉग को बड़ा ना करते, इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि मम्मी जी का भी तबीयत खराब हो गया और अभी शाम हो गया, जल्दी जल्दी ब्लॉग को एडिट करना है और आप लोग के लिए डालना है। तो दोस्तों मैं आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों कि महाराजगंज जिले के एक छोटे से गाँव के रहने वाले इस दीपू का वीडियो देखते हैं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव के रहने वाले इस दीपू को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसी तरह प्यार दुलार देते रहिए। मम्मी जी आप क्या बोलेंगे जाते जाते? बच्चों हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोग तो हमारा बहुत साथ दे रहे हैं बच्चों, बच्ची हमारी, तो ऐसे प्यार दुलार देते रहना, आगे बढ़ाते रहना, 1,00,000 सब्सक्राइब कर देना बच्चों। छोटे घर के छोटे आपको भाई महाराजगंज जिले का नाम रोशन करना चाहता है बच्चों, तो उसी को 2 डेग और बढ़ा दिए जाए बच्चों। तो गाइस मम्मी जी बोल रही हैं, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई को इसी तरह प्यार कीजिए। चलिए इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं।